हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 3 to 4 इयर्स बेबी के लिए डबल लेयर टॉप बनाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टॉप बनाने के लिए मैंने सैटिन फैब्रिक 1 मीटर लिया है और इस तरह से जॉर्जेट फैब्रिक मैंने 1/2 मीटर लिए है। 1 मीटर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसकी विड्थ कम है और इसको मैंने 1/2 मीटर इसलिए लिया है, इसकी विड्थ ज़्यादा है। सबसे पहले इस पार्ट में हमें कटिंग करनी है। अभी हमें इस पीस को ओपन कर लेना है और इसकी विड्थ हमें मेजर करनी है। यहाँ पर इसकी वेट 44 इंचेस है। इसकी लेंथ भी चेक कर लेते हैं, 20 इंचेस इसकी लेंथ है। अब हमें वेट वाइज इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद देखेंगे ये डबल फोल्ड में कपड़ा है। अब हम इसको डायगोनली फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस कॉर्नर से हमें अपनी मेजरमेंट्स लेनी है। यहाँ पर अभी हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पर 5 इंचेस आया है, तो यहाँ पर हम 5 इंचेस मार्क करेंगे शोल्डर का हाफ। और यहाँ से हमें नीचे आर्म होल के लिए हाफ मेजरमेंट्स लेंगे, यानी कि 5 का हाफ होता है 2 1/2 में इस तरह से निशान लगाएंगे। और इस तरह से आप देखेंगे हम चेस्ट के लिए 7 1/2 मार्क करेंगे, जो चेस्ट का 1/4 होता है, प्लस 1 इंच मैंने सिलाई मार्जिन ऐड किया है। और आर्म होल के अंदर की तरफ मैंने 1.5 इंच मार्क करते हुए इस तरह से स्लांट लाइन ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर आर्म होल के लिए कर्व रेडी करना है। अब हमें नेक के लिए शेप रेडी करने हैं। यहाँ पर नेक के लिए मैं 1 इंच मार्क करूँगी और इस तरह से शोल्डर लाइन से यहाँ पर मैं नेक के लिए शेप दे दूँगी। अब हमें पूरी लेंथ मार्क करनी है। देखिए ऊपर से हमें इस तरह से अपनी लेंथ मार्क करनी है। यहाँ पर 22 इंचेस आया है, तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में 22 इंचेस मार्क करनी है। मार्क करने के बाद हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी। देखिए यहाँ पर हमने 2 पीस निकाल दी है। फ्रंट और बैक के लिए हमारे पास 2 पीस निकल आए हैं। अब हमें दूसरा लेयर कट करना है सैटिन फैब्रिक में। इस तरह से देखिए मैंने लेंथ वाइज कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हम डायगोनली इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो लेयर हमने कट कर ली थी पहले, इसके ऊपर इसको प्लेस करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमने प्लेस कर लिया है और यहाँ पर आर्म होल और शोल्डर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर नेक की डिपनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो हमें यहाँ पर एडजस्ट करनी है। आर्म होल साइड हमें 1 इंच एक्सटेंड करके कट करना है, ताकि हम जो स्ट्रिप्स लगाएंगे उसको हम थोड़ी सी स्मॉल लगाएंगे। इस तरह से नीचे की तरफ हमें 1 इंच मार्क करना है। आर्म होल के लिए दोबारा हम शेप रेडी कर लेंगे। इसके बाद हम पैटर्न को पूरा कट कर लेंगे। कटिंग हमने कर ली है। हमारे पास अभी 2 लेयर सैटन फैब्रिक के हो गए और 2 लेयर हमारे पास जॉर्जेट फैब्रिक के हो गए। इस तरह से देखिए इस तरह की लुक आएगी। इसके बाद हमें अपने अपर लेयर में 3 इंचेस कम करके मार्क करनी है, क्योंकि हमें अपर लेयर छोटी बनानी है नीचे वाले लेयर से। इस तरह से 3 इंचेस हम मार्क कर लेंगे। पूरे राउंड में हम 3 इंचेस मार्क कर लेंगे और इसके बाद इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। अपर लेयर की हमने कटिंग कर ली है। अब देखेंगे इसकी इंटरफेस किस तरह से आएगी। इस तरह से देखिए हमारी ये टॉप की इंटरफेस है। अब हमें यहाँ पर नेक और आर्म होल पे स्टिचिंग करनी है, तो स्टिचिंग करने के लिए हमें नीचे वाले लेयर को उल्टा रखना है। इस तरह से उल्टा रखना है। इसके ऊपर हमें अपर लेयर को भी उल्टा रखना है और यहाँ पर 2 स्ट्रिप्स हमने बनाकर रेडी कर लेना है, जो हम शोल्डर में अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने 2 स्ट्रिप्स बनाकर रेडी कर ली है। यहाँ पर इसकी लेंथ हमने 7 इंचेस रखी है। 1 इंच हमने एक्सटेंड किया था आर्म होल की साइड, यहाँ पर भी हमने 1 इंच माइनस कर दिया है स्ट्रिप में। अब हमें स्ट्रिप्स को इस तरह से शोल्डर में लगानी है। दूसरे स्ट्रिप्स को भी इस तरह से हमें शोल्डर पे अटैच कर लेनी है। यहाँ पर पिन लगा लेंगे और यहाँ पर देखिए हमने लगा ली है पिन। और यहाँ से आर्म होल से होते हुए नेक की स्टिचिंग करेंगे और दूसरे आर्म होल पे भी स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग हमने कर ली है, अब हम नॉचेस लगा लेते हैं। नॉचेस लगा लिया है। अब इस पार्ट को हम टर्न कर लेते हैं सीधी तरफ। इस तरह से इसको हमने राइट साइड में टर्न कर लिया है। अब दूसरे साइड में स्ट्रिप्स लगाएंगे। सेम मेथड से हमें नीचे वाले लेयर को उल्टा रखना है।
और इसी के ऊपर हमें इस तरह से स्ट्रिप्स लगानी है और इसके ऊपर हम अपर लेयर को रखेंगे उल्टा। दोनों पार्ट को मिलाते हुए हम पिन लगा लेंगे। अब हमें नेक और आर्महोल पर स्टिच करना है। आर्महोल से होते हुए हमें नेक की स्टिचिंग करेंगे और साथ में दूसरा आर्महोल पर स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग हमने कर ली है, अब हम यहाँ पर नॉचेस लगा लेंगे। देखिए हमने इसको टर्न भी कर लिया है राइट साइड में। अब हम यहाँ पर टॉप स्टिच लगाएंगे। आर्महोल और नेक के ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी है। आर्महोल से होते हुए नेक के ऊपर हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग मैंने कर ली है, दोनों पार्ट में हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब हम नीचे के लेयर को पीको करेंगे, अदरवाइज हम इसको बारीक फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। इस तरह से सिंगल फोल्ड करेंगे और दोबारा इसको फोल्ड करते हुए हम स्टिच करेंगे। दोनों लेयर में हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। सेम मेथड हमें दूसरी तरफ भी करना है। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली है, आप देख सकते हो दोनों साइड हमारी स्टिच हो गए हैं। अब हमें बॉडी की फिटिंग करनी है। रॉक साइड में फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 3 इंचेस डाउन मार्क करना है। इसी पॉइंट तक हमें दोनों पार्ट को मिला के हुए स्टिच करेंगे और बाकी के सारे लेयर को अलग अलग स्टिच करेंगे। इस तरफ भी हम मार्क करेंगे। चेस्ट का हम हाफ मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ पर चेस्ट 13 इंचेस होता है, तो चेस्ट के लिए हम निशान लगा देंगे। हम यहाँ पर कोई वेस्ट का मेजरमेंट नहीं लेंगे। इस तरफ से दोनों तरफ हम मार्क कर लेंगे 13 इंचेस। इस तरफ भी हमें नीचे की तरफ 3 इंचेस मार्क कर लेंगे। इसी पॉइंट तक हमें मिला के स्टिच करनी है। दोनों पार्ट में हमें स्टिचिंग कर ली है। अब नीचे के लेयर को अलग से स्टिच करेंगे। जो हमारी अपर लेयर थी इसको हम अलग ही स्टिच करेंगे। इसी पॉइंट तक हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। दोनों पार्ट में हमने स्टिच कर ली है। अब हम नीचे वाले लेयर को स्टिच करेंगे। तो उससे पहले देखिए, जो हमारी अपर लेयर थी इसको हम साइड से इस तरह से कट करेंगे जहाँ से हमने स्टिचिंग शुरू की थी। इसको हम अंदर इंसर्ट कर लेंगे। नीचे वाले लेयर को हम इस तरह से बाहर निकालते हुए इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ से स्टिच कर लेंगे। सेम मेथड हमें दूसरी तरफ करनी है। इस तरह से अपर लेयर को हमें बीच से कट करना है और इसको हम अंदर इंसर्ट कर लेंगे। और बाहर वाले जो कपड़ा है इसको हम बाहर निकालते हुए इसके ऊपर हमें स्टिच कर लेंगे। देखिए दोनों पार्ट में हमने स्टिच कर लिया है। हमारे यहाँ पर टॉप बिल्कुल रेडी है वेयर करने के लिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको यूज़फुल लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।